नमस्कार साथियों, रेनबो सेवन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप की रचना करना सीखेंगे। इसमें एक प्रश्न दिया हुआ है जिसका प्रदर्शक बिंदु या आरएफ 1:12,50,00,000। एक मानक अक्षांश प्रक्षेप की रचना कीजिए। प्रेक्षक पर प्रधान अक्षांश 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश व प्रक्षेप का विस्तार बताया गया है 60 डिग्री पूर्वी देशांतर से 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर व 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री तक है। अक्षांश और देशांतर का अंतराल इसमें 15 डिग्री बताया गया है। अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो गठाए गए वृत्त का अर्धव्यास यानी त्रिज्या निकालेंगे लघुकृत जो पृथ्वी है उसकी। इसके लिए सूत्र है पृथ्वी का वास्तविक व्यास और दिए गए आरएफ का हर। इसमें 64 करोड़ सेंटीमीटर आपको लगभग ध्यान है, ये एक्यूरेट तो नहीं है लगभग, गणना की दृष्टि से इसको 64 करोड़ लेते हैं। और इसमें आरएफ जो यह आरएफ दिया गया है उसका हर नीचे वाला अंश और हर हर का भाग देते हैं तो इसमें आता है 5.12 सेमी। तो ये पहली स्टेप होगी, इसका हमने एक इस नाप का वृत्त बनाना है, अर्धवृत्त बना लीजिए। इसके लिए आधार चित्र बनाएंगे। आधार चित्र में देखो यहाँ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें आपको एक लंबी लाइन खींचनी है, यह लाइन खींच लीजिएगा और इसके ऊपर अब आपको प्रकार खोलना है। कितना खोलना है? 5.12 जो यहाँ आया था, 5.12 सेमी के प्रकार आपको खोलना है। 5.12 में प्रकार आपके सामने खोल लेता हूँ। ये 5.12 मतलब 5.1 प्रकार खोल दिया और प्रकार को मैं देखो यहाँ रखकर और इस प्रकार एक वृत्त बना लेता हूँ जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वृत्त मैंने बना लिया है और अब जहां मैंने ये रखा था केंद्र बना है, जैसे ये लाइन खींच ली मैंने और इसके ऊपर सेट स्क्वायर से मैंने 90 डिग्री का एक कोण बना लिया है। जैसे आप देख सकते हो इस पर एक 90 डिग्री का कौन बना लिया इस पर, इस प्रकार। अब आपको ध्यान है कि अंतराल यानी देशांतर और अक्षांश में अंतर कितना? 15 डिग्री है। तो आप चांदे की सहायता से आपको 15 डिग्री यहां चांदा रखकर 15 डिग्री का कोण बनाना है। यहां 10 और ये 15 हो गया। दूसरा कोण बनाना है आपको। इसमें बताया गया है मानक अक्षांश कितना है, प्रधान अक्षांश या मानक अक्षांश 45 डिग्री, दूसरा बनाना 45। इसी में साथ 45 डिग्री पर आप बिंदु लगा दीजिए तो यह पंद्रह डिग्री का कोण हो गया और यह हो गया 45 डिग्री का। अब इसका नामांकन कर दीजिए। मान लीजिए ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। अब आपको एफ को केंद्र मानकर, ये एफ इसको केंद्र मानकर इस जो वृत्त है इस पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है। स्पर्श रेखा आपको ध्यान है कि 90 डिग्री का कोण नहीं होता है तो
इस सेट स्क्वायर से मैं सीधा इस वर्ष इकाइयाँ खींच देता हूँ, ये इस वर्ष रेखा ही आ जाएगी, ये इस वर्ष रेखा में इसके खींचती जो आपके सामने जो एस सी रेखा ए और सी है उसको यहाँ जी पर काट रही है, यहाँ बिंदु जी अंकित कीजिएगा। अब प्रकार को खोलना है, कितना खोलना है, डी और ई, यहाँ देखिए डी और ई जितना खोलना है, मैंने प्रकार को डी और ई जितना खोल लिया है। अब ए को केंद्र मानते हुए, नहीं सॉरी बी को केंद्र मानते हुए इसके ऊपर एक वृत्त बनाना है, ये वृत्त बन गया। अब ध्यान दीजिए बी और एफ लाइन है, ये जो वृत्त है यहाँ पी बिंदु पर काट रहा है, इसका मैं नाम दे रहा हूं पी बिंदु, ठीक है। अब पी बिंदु पर क्या करना है आपको, पी बिंदु पर इसके समांतर बी और डी, बी डी के समांतर एक रेखा खींचनी है, समांतर रेखा मैं अनुमान से खींच रहा हूं एक, ये इसके समांतर बी डी के समांतर एक लाइन खींची है, मैंने ये लाइन खींची, इसका नाम पी क्यू रख दिया, ठीक है। इस प्रकार ये आधार चित्र बन गया शंकु प्रक्षेप बनाने के लिए। लंबवत रेखा खींचेंगे, ये लंबवत रेखा खींचेंगे। अब प्रकार को हम खोलेंगे, यहां देखिए प्रकार को खोल रहा एफ और जी जितना खोलना है, यहाँ आधार रेखा प्रतीक एफ और जी जितना मेरे प्रकार खोला, और जो ये बिंदु मान लीजिए एक्स है, अक्ष को केंद्र मानकर आपको एक चाप मारना है, या अक्ष या आपको एक चाप मारना है और इसको आपको अक्षांश वृत्त का निर्माण करना है, ये आ जाएगा आपका प्रधान अक्षांश 45 डिग्री, कितना आ जाएगा प्रधान अक्षांश, या लिख सकते हैं प्रधान और 45 डिग्री। अब दूसरी अक्षांश वृत्त बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आधार चित्र है इसी के ऊपर देखिए आप डी और ई, प्रकार को खोलना है डी और ई जितना, देखिए यहां मैं खोल रहा हूं डी और ई जितना खोलना है, क्योंकि ये अंतराल 15 डिग्री का है तो डी और ई जितना खोलना है, और बाकी के अक्षांश रेखा आपको निरूपित करने हैं, तो इसके ऊपर जाएंगे 45 और 15, 60 का चाप ये हो गया, 60 के बाद हो जाएगा ये 75 डिग्री, ठीक है, इतना अंकित करना है, और इसके बाद आपको नीचे आना है, 45 से 15 कम करेंगे, यहाँ देखिए 15 कम कर रहा हूँ तो ये हो गया 30 का, 30 के बाद 15 कम और किया 15, और 15 के बाद ये हो गया 0, तो इस पर अंकित कीजिए ये 45, ये हो गया 60, और ये हो गया 75, ये हो गया 30, ये हो गया 15, और ये 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा। इस प्रकार आप अंकन कर दीजिएगा। अब क्या करना आपको, थोड़ा मैं इसको तिरछा लेकर बता रहा हूं जिससे ये आपको देखने में आसान हो, पर अक्ष को केंद्र मानना है और प्रकार को खोलना है, जो पहला चाप लगा है
क्षेत्र वाला, उसके जितना ही खोलना है और आपको घुमाकर एक अक्षांश वर्ग बनाना है, जैसे कि मैं बना रहा है, बनाया जा रहा है, बन गया। अब प्रकार को अक्ष पर ही रहना है और 60 डिग्री तक खोलना है और 60 डिग्री वाला वर्ग आपको निर्मित करना है। 45 वाला बना ही हुआ है, अब 30 डिग्री वाला अर्धवर्ग और आपको इस प्रकार बना देंगे। अब 15 डिग्री वाला अर्धवर्ग बना लेंगे। बहुत आसानी से है, सावधानी से करना है, लेकिन प्रकार की नोक अक्ष पर ही होना चाहिए। इस प्रकार ये 0 डिग्री वाला हम इसको अंकित कर देते हैं। तो इस प्रकार ये देख सकते हो आप, हमने अक्षांश रेखाएं खींच दिए। अब क्या करना है आपको, जो प्रधान अक्षांश है उस पर देशांतर रेखाएं बनाना है। इसके लिए ये आधार चित्र की मदद लेनी होगी। आधार चित्र रेखा में जो PQ रेखा है, यहाँ देखिए, ये PQ जितना आपको प्रकार खोलना है, ये प्रकार मैंने PQ जितना खोल लिया है। और जो 45 डिग्री अक्षांश प्रधान अक्षांश है उसके ऊपर आपको चाप मारना है। अब ये ध्यान रखना है कि इसका विस्तार कितना दिया गया था। इसमें देखो विस्तार बताया गया 60 पूर्वी देशांतर से 60 पश्चिमी, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, पश्चिमी देशांतर का कर लो या पूर्व का कर लो, एक तरफ ही करना है। तो यहाँ ये भूमध्य रेखा है, सॉरी भूमध्य रेखा तो यह है, यह है ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा है? ग्रीनविच रेखा है, जिसका मान आपको ध्यान है 0 डिग्री होता है। अब 15-15 डिग्री का अंतराल है, तो पहला चाप में पश्चिम की ओर मार रहा हूं, तो ये हो गया 15 डिग्री, क्योंकि ग्रीनविच का मान 0 है, 0 देशांतर है। 15 और ये 30, ये हो गया 45 और ये हो गया 60। इसी क्रम में आपको पूर्व में भी चाप मारने हैं। ये हो गया 15, ये आपको ध्यान है प्रधान अक्षांश पर ही मारने हैं, क्योंकि अपना प्रधान अक्षांश कितना है, 45 डिग्री दिया, 45 डिग्री भी मारना है। तो ये 15, 30 और 45 और ये हो गया 60, क्योंकि 60 तक विस्तार दे रखा है। अब आप स्केल की सहायता से इस पर लाइनें खींच सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ खींच रहा हूँ। अगर जो चाप यहाँ कटे में उसको मिलाना है, ये चाप यहाँ है और ये अक्षर, इसको मिलाना है यहाँ तक भूमध्य रेखा तक, ये इस प्रकार सभी रेखाओं को मिलाना है। इस प्रकार देखिएगा, ये मैंने पक्का चित्र बना दिया गया है। और इस पर देखिए, ये 0 डिग्री, 15, 30, 45 और 60, ये पूर्वी देशांतर है, ये ग्रीनविच रेखा है। इसके 15, 30, 45, 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर अंकित कर दिया गया है, क्योंकि आपका जो प्रश्न है उसमें विस्तार इतना दे रखा है। और अक्षांश का विस्तार 0 डिग्री से 90 डिग्री तक है, तो ये 0, 15, 30, 45 ये प्रधान अक्षांश रेखा है, और 60 और 75 और इसके ऊपर 90 आ जाएगा। इस प्रकार एक मानक शंकु प्रक्षेप इस प्रकार आसानी से बनाया जा सकता है। यदि आपको इस संबंध में कोई भी क्यूरी या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, आपका सहयोग बना रहेगा। धन्यवाद।